देखिए, अब ये हमारे पास जो शो फंक्शन है ये इसी क्लास के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन आपको याद है जो हम मेन मेस्तर करते थे, एक फंक्शन पहले डिक्लेयर करते थे, वाइड शो समथिंग, और उसके बाद ये होता था उसमें, और नीचे वो फंक्शन फिर डिफाइन होता था, शो समथिंग, और इस तरह डिफाइन होता था। अब आप बिल्कुल यही चीज अपने इस क्लास के साथ भी कर सकते हैं। ये जो क्लास है आपका, इसमें जो शो फंक्शन है, इसको अगर मैं आउटसाइड क्लास डिक्लेयर करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए सबसे पहले ये करूँगा कि मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। जैसे ही इसको हटाया और यहाँ पर इसको डिफाइन किया, और इसका सिर्फ मुझे ये देना होगा यहाँ पर क्या, कि ये पब्लिक फंक्शन है और ये कहीं पर नीचे डिफाइन है, ये चीज। लेकिन जब मैं इसको चलाऊंगा तो एरर अभी भी देगा। क्या एरर देगा? एरर मुझे ये देगा कि ये जो आपके डिक्लेरेशन है, इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा कि लाइन नंबर 19 में, 16 में रोल नंबर और नेम है वो क्यों है, वो इसको पता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इस कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा कि ये जो शो फंक्शन है, ये स्टूडेंट क्लास का एक फंक्शन है। जरूरी नहीं कि यहाँ लिखा हो, ये मेन से नीचे भी लिखा हुआ हो सकता है कहीं पर, ये यहां पर भी लिखा हो सकता है, कंट्रोल एक्स, ये यहां पर भी लिखा हो सकता है इस तरह। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइड के बाद इसकी क्लास का नाम लिखेंगे। ये किस क्लास का फंक्शन है? स्टूडेंट। तो मैं इसमें स्टूडेंट का वर्ड यहां पर लिखूंगा और उसके बाद दो कॉलन देके। अब ये जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो इसको पता चल जाएगा कि ये वाइड स्टूडेंट क्लास का एक शो फंक्शन है, और उसमें आपने प्रिंट करना है रोल नंबर और नेम, और इसका आपने यहाँ पर ये डिक्लेयर भी कर दिया है कि ये फंक्शन कहीं पर नीचे डिफाइन है। तो इस दफा जब हम इसको चलाएंगे तो आप इस तरह से भी अपने क्लास के बाहर कुछ डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें बिल्कुल वही रोल नंबर 1 और नेम अली प्रिंट हो रहा है, जो कि लाइन नंबर 23 पर है। और देखिए, ये क्लास के बाहर है, आपका क्लास तो लाइन नंबर 13 पर एंड हो रहा है, स्टूडेंट क्लास 3 से शुरू होकर 13 पर। और उसमें हमने सिर्फ बताया कि एक पब्लिक फंक्शन होगा वाइड शो के नाम से, नीचे कहीं पर डिफाइन होगा। वो नीचे कहाँ डिफाइन है उसको हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन ये सेंटेक्स इसका लाजमी है कि हमने इसमें ये स्टूडेंट और उसके बाद दो कॉलम देने होंगे। जब हम ये दो कॉलम नहीं देते तो वही एरर जो इसमें आया था कि रोल नंबर और नेम इस स्कोप में डिफाइन नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या चीज़ है, कंपाइलर को पता नहीं चल रहा कि कोई वेरिएबल है तो कहाँ का वेरिएबल है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल तो है नहीं। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल जो ऊपर कहीं पर यहाँ पर डिफाइन हो, और वो हर पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी विजिबल हो, वो भी नहीं है। ये है तो स्टूडेंट क्लास का एक वेरिएबल, लेकिन उसको शो नहीं होगा जब तक हम इसमें इसको बताएंगे कि नहीं कि किस क्लास का ये फंक्शन है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आप अपने क्लास में सिर्फ उसका प्रोटोटाइप लिखे और नीचे उसको कहीं पर डिफाइन कर दें।